नमस्कार दोस्तों, मैं भाईनन कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 10 लाख रुपया देगी, युवा उद्यमी योजना चालू की है जिसके तहत 10 लाख रुपया ज़्यादा करेगी, जिसमें आपको दो किस्त में ये 10 लाख रुपया मिलेगा। पहला किस्त 5 लाख की, दूसरा किस्त 5 लाख रुपया। फ्रेंड, ये 10 लाख रुपये में आपको 5 लाख रुपया सरकार माफ़ करेगी और 5 लाख रुपया आपको 7 वर्षों में 84 किस्तों में अदा करना होगा। आप भी इस योजना के लिए इच्छुक है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी ऑनलाइन करें तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो है उद्यमी योजना के बारे में। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे। बिहार उद्यमी योजना फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, सरकार जो बैंक स्टेटमेंट मांग रही है वो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, कैंसिल चेक कैसे अपलोड करना है, साथ साथ कैंसिल चेक कैसे भरा जाता है, और PDF जो कितना KB में बनेगा और PDF का जो साइज है कैसे छोटा होगा, कैसे बड़ा होगा, और जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का जो फाइल का साइज है कैसे छोटा होगा, कैसे बड़ा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। दुकान का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, दुकान का सर्टिफिकेट क्या होता है, ये दुकान का सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से बनेगा, फ्री आप बना सकते हैं दुकान का सर्टिफिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको उद्यमी योजना बिहार टाइप कर देना है। उद्यमी योजना बिहार यहाँ पे हमने टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर सर्च कर देंगे और जो फर्स्ट में आ जाएगा उद्योग विभाग बिहार सरकार उद्यमी .bihar.government.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा उद्यमी, फ्रेंड ये 18 जून से स्टार्ट था और 17 सितंबर लास्ट डेट है। जो नया अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक है वहाँ पे, या उपयोगकर्ता पुस्तिका आप इसको डाउनलोड करके कैसे कैसे भरा गया है फुली वो समझाया है वो आप कर सकते हैं, और 17 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर तक ले ये लास्ट डेट है। तो नए जो यूजर है वो लिंक पर क्लिक करेंगे, जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी परियोजना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन आवेदन फॉर्म सैंपल है, सैंपल को आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पहले आप देख सकते हैं, और यहां पर प्रथम नाम, मध्यम नाम और लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद ईमेल आईडी और लिंक, जेंडर आप यहां पर चूज करेंगे, यहां पर हम चूज कर लेते हैं, हमने अपना नाम डाल दिया है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो जेंडर है वो आप स्त्री, पुरुष, अन्य, आप जो भी है वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, मोबाइल नंबर 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डाल, ध्यान देना है मोबाइल नंबर वो देना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, दूसरा नहीं दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद, और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर देना है जो आधार नंबर से लिंक है, वही मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पर जो कैटेगोरी आप आवेदक का प्रकार, जो भी कैटेगोरी से आप आते हैं वो यहाँ पर दे दीजिएगा, और OTP प्राप्त करें पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ कुछ पॉपअप खुलेगा, इसको आप ओके कर दीजिएगा, या आप कोई गलती है तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देगा, यहाँ पर आपको हो सकता है कि आगे मैं बताऊँगा कि फ़ोटो कैसे क्रॉप करना है क्या है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो ही वीडियो में डालूँगा वो मिल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे वो OTP पासवर्ड सफलतापूर्वक भेजा गया है, तो यहाँ पर OTP आपको डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर सत्यापित करेंगे। फ्रेंड अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड मैं बहुत सारा वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा।
ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है और ये अगला स्टेज आ गया है। यहाँ लॉगिन करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आधार नंबर और आपका जो पासवर्ड ईमेल आईडी पर गया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर पासवर्ड अपना डालेंगे। फ्रेंड बता दूँ आगे आपका यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं या नेवर सेव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आपका आवेदन प्रपत्र पंजीकरण संख्या देगा और आवेदक जो भी आपका नाम जो फिल किया हो जाएगा स्वतः आ जाएगा। लिंक ये सब आप जहाँ भी हो आप देख सकते हैं। आप इसको अभी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम ले लेते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे अभिभावक का नाम दे देता हूँ। इसके बाद एक आप देख सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति है, आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अविवाहित कर देता हूँ। इसके बाद आवेदककर्ता का पता, जो भी पता आपको देना होगा, जो आप हो सके जहाँ पे खाता खुलाए हैं आधार कार्ड है तो वही वैलिड देना है, ठीक है। यहाँ पर पता आपका एड्रेस जो है वो देना है जहाँ पे आपका घर है। तो मैं यहाँ पर विलेज और पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन देता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट से लेकर पिन कोड, अपना जो पिन कोड होगा वो पिन कोड डाल देना है, जो 6 डिजिट का पिन कोड डालना है। और जिस स्टेट से आप आते हैं वो स्टेट दे देना है। आवेदक का यहाँ पर बिहार स्वतः हुआ गया है। इसके बाद जाति, जिस आप जाति से आते हैं वो दे देना है, ठीक है। और जाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी जाति होगा वो जाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जाति सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सारा जाति का यहाँ पर जो है पॉपअप दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरफेस है। देखिए पूरा लिस्ट आ गया है जाति का, वो जो भी जाति से आप आते हैं वो यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में आप आईटीआई है या डिप्लोमा से इंटरमीडिएट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो वो यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर आईटीआई ले लेता हूँ, या आप पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो ग्रेजुएट आप ले सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट तो मांगता नहीं है लेकिन डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। हम आपका डेटा को सहेज लिए हैं। अगला फॉर्म खुल रहा है, अगला फॉर्म आपका आ जाएगा। जैसे कि मैं शैक्षणिक विवेता विवरण ये मैं डालूँगा, शैक्षणिक विवरण, ठीक है फ्रेंड। शैक्षणिक विवरण में आपको जो शैक्षणिक विवरण है यहाँ पर वो दे देना है, जो अवधि है जो आईटीआई का जो अवधि होगा वो दिन मंथ डाल देना है। ट्रेड वो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जो शैक्षणिक विवरण है आप प्लस के आइकन पर कीजिएगा तो वहाँ पर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है जोड़े, तो जोड़े पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। फिर वैकल्पिक विवरण जोड़े, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इंटर के दे सकते हैं। फिर इंटर हो जाएगा तो फिर शैक्षणिक योग्यता जोड़े तो पोस्ट ग्रेजुएट का डाल दीजिएगा। वैसे यहाँ पर वर्ग हम डाल देंगे 12th डाल देंगे। और बोर्ड जो हैगा, बोर्ड आप CBSE है या जो भी हो BSC भी है वो डाल देना है। पासिंग या डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, वो आप बजाबते से आप डाल सकते हैं। और फिज देखिए सब्जेक्ट में आप जो है NRV ऐसे जैसे है वो पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना है। मैट्रिक वाला में ध्यान दीजिएगा ऑल देना है, बाकी बात इधर 12th है, इंटरमीडिएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना है। फिर शैक्षणिक योग्यता पर डालेंगे, इसके बाद हम ग्रेजुएट का हम देना चाहेंगे। पहले मैं फिल कर लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का डाल दिया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, पोल साइंस, जैसे जो विषय आपका होगा वो इस टाइप से आप डाल सकते हैं, या आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब प्रशिक्षण संस्थान, अब जो ITI का है वो यहाँ पर आप देना चाहिएगा तो दे दीजिएगा, फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद आपका पारिवारिक विवरण पेज पर जाएँ, इस पर हम क्लिक करेंगे और पारिवारिक विवरण पर आ गए हैं। पारिवारिक विवरण में
आवेदक का व्यवसाय यानी क्या कर रहे हैं, तो लेबर मजदूरी है या स्वास्थ्य है, तो बेरोजगार है, हम एम्प्लॉयड पर अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे बेरोजगार पर। इसके बाद आपका आवेदक का व्यवसाय मासिक आय कितना है, तो यहाँ आपके मासिक आय जो होगा वो यहाँ पे डाल देना है, 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार जो हो वहाँ पे डाल देना है, हम यहाँ पर 8 हज़ार डाल देते हैं। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय की विवरण, जो आवेदक का जो विवरण है, आप किस व्यवसाय में आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो वेबसाइट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगरबत्ती का होगा तो अगरबत्ती डाल देना है, जो भी हो यहाँ पे आप जो दुकान का नाम है वो दुकान का नाम आप डाल सकते हैं, व्यवसाय का नाम यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे व्यवसाय का नाम में अपना मैं डाल देता हूँ, मेरा तो नोटबुक से है, तो मैं यहाँ पर व्यवसाय का विवरण यहाँ पे नोटबुक डाल दूँगा, यहाँ पर नोटबुक मैनुफैक्चरिंग पूरे है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पूरा नाम नहीं देना है, व्यवसाय का विवरण देना है कि आपका जो व्यवसाय है किस कैटेगरी में आता है। अब मुख्य पारिवारिक व्यवसाय में दे दीजिए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि लेबर है, मजदूरी का काम करते हैं, या कोई कृषि से है, बेरोजगार से है, कोई सरकारी जॉब से, वो अभी आप दे सकते हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय कितना है, तो कितना का आप आय बनाए हुए हैं, इनकम सर्टिफिकेट उस पर देख लीजिएगा। तो मेरा 95 हज़ार का है, तो मैं 95 हज़ार यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा जो आय यहाँ पर जो पारिवारिक आय बना हुआ है 95 हज़ार का है, तो मैं 95 हज़ार यहाँ पर वार्षिक डालना है। क्या परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी जॉब में है, तो नहीं है, और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, डाटा सेव हो गया है, अब अगला प्रपत्र ओपन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो भी आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है जो आपको देना होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो रिजेक्ट मार देगा, इसलिए यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पर हाँ ही कर दीजिएगा आप लोग भी, अगर रजिस्टर कंपनी आपका रजिस्टर है या नहीं हो यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट तो मांग नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आप कंपनी का कैसे रजिस्टर करना है, इसका भी वीडियो हम डाल देंगे, यहाँ पर आई बटन में आप देख सकते हैं, या इसका मैं अगर आपका कंपनी जो है कंपनी MSME से रजिस्टर नहीं है, तो इसका वीडियो मैं डाल दिया हूँ, यहाँ पर आई बटन में आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो संस्था का आप जो पंजीकरण पाता है वो आपको डाल देना है, यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वो डाल दीजिए, और जो डिस्ट्रिक्ट किस आप डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेना है, पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डाल देंगे, इसके बाद बिहार तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका कोई मान लेते हैं कि पार्टनरशिप में आप है, तो पार्टनर का जोड़ सकते हैं, सेव कर दीजिएगा, डाटा सेव हो जाएगा, और अगला प्रपत्र आपका ओपन हो जाएगा, परियोजना विवरण पेज पर जाएं, या अगर नहीं ओपन होगा तो यहाँ पर आप स्वतः जो है परियोजना विवरण पर क्लिक करेंगे, तो अगला फॉर्म परियोजना जो है खुल के आ जाएगा, ठीक है। परियोजना विवरण पेज पर हम जा रहे हैं। अब इसके बाद आप प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुझे पूरा पता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट, जिस भी मेरा नोटबुक है, नोटबुक कॉपिंग फाइल फोल्डर उत्पादन, इस पर मैं क्लिक कर दिया। क्या आपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं लिए हैं तो नहीं करेंगे, अगर हाँ कीजिएगा तो वहाँ पर प्रशिक्षण कोर्स जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमने नहीं कर देते हैं। क्या ज़मीन सीड का पहचान हो गया है, हो तो हाँ कर देना है, और भूमि का क्षेत्रफल यहाँ वर्ग मीटर में जितना आपका भूमि है उस भूमि का क्षेत्रफल यहाँ पे मीटर में शो कर देना है। मैं यहाँ पे अपना भूमि का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे वर्ग मीटर में है वो मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद पता में जहाँ पे आपका उद्योग लगने वाला है, जहाँ पे आपका बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस का पता यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो पता
दे दिए। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जिस जिला से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड जो होगा पिन कोड आप दे दीजिएगा। इसके बाद बिहार ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट रहेगा, ठीक है, बिहार यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। भूमि का प्रकार तो स्वामित्व है या किराए पर है, किराए पर होगा तो किराए पर, स्वामित्व है तो स्वामित्व है, चलो हम मेरा स्वामित्व है और सेव कर देंगे। यहाँ पर डेटा सहेजा गया है। और नेक्स्ट अगला परियोजना का लागत विवरण आ गया है। अब यहाँ पर मैंने भूमि पूंजी का विवरण में परियोजना का लागत कह रहा है कि 10 लाख तक है, आप 10 लाख तक यहाँ पर भर सकते हैं या 10 लाख से कम, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 9 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद नौ लाख डाल दिया। इसके बाद क्या भवन सेट या दुकान किराए पर है, किराए पर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं, तो नहीं है फिलहाल मेरा, तो नहीं मैं कर देता हूँ। प्लांट और मशीनरी उपकरण पर आप कितना, जो आप मशीन लगाना चाहिएगा वो मशीन कितना का आप खरीदिएगा या खरीदे हैं, तो अभी तो खरीदे नहीं हुईगा ना, तो कितना में आप खरीदिएगा वो यहाँ पर दे देना है। जैसे मैं यहाँ 3 लाख डाल देता हूँ कि 3 लाख का मैं मशीन लेने वाला हूँ। अन्य अचल संपत्ति अदर संपत्ति, आप मान लेते हैं कि कहीं पे दान दहेज होता है ना, वहाँ कुछ आप खर्चा करते हो दूसरा चीज में, वो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद देखिए मैं तो 2 लाख अन्य अचल संपत्ति हमने डाल दिया। और कार्यशील पूंजी, आप कितना पूंजी रखना, इसके बाद आप बैंक संस्था या बैंक का विवरण दे देना है, जिस भी बैंक का आपका है वो बैंक यहाँ पर देना है। और देखिए करेंट, ओनली फॉर करेंट ही मान्य है। अभी हाल ही में फॉर्म के नाम पर आप नहीं दे सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप सेविंग जो करेंट, जो पहले जो करेंट अकाउंट था आप व्यक्तिगत पर्सनल, तो उस पर भी नोटिस आ गया है। क्या नोटिस आया है मैं आई बटन में यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आपको ट्रांजेक्शन आईडी डालना है, ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पर देख लीजिए, सैंपल है। आपके जो चेकबुक होगा उसके लास्ट में ट्रांजेक्शन आईडी दिया जाता है, क्या है ट्रांजेक्शन आईडी आप देख लीजिएगा, वो यहाँ पर डाल देना है। चलिए ऊपर की ओर मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पर अपना बैंक का नाम, शाखा का नाम, जो ब्रांच कहाँ पे है, और खाता का प्रकार। खाता का प्रकार तो ओनली फॉर आपका क्या होगा कि करेंट ही होगा। यहाँ पर हमने बैंक का नाम डाल दिया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। आपका जिस भी बैंक में खाता है वो उस बैंक का नाम यहाँ पर दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे उस बैंक का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। अब शाखा का नाम, जहाँ पे ब्रांच है ब्रांच का नाम यहाँ पे दे दिए। खाता खोलने की तिथि यहाँ पे डाल देना है कि जिस तिथि में आपको, जिस तारीख को आप खाता खोलाए हैं, खाता खोलने की तिथि आपको दे देना है। आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल देना है, मैं यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दिया। खाता संख्या, जो खाता संख्या है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और ट्रांजेक्शन आईडी संयोग से मेरा यहाँ पर 29 ही है, तो मैं 29 डालता हूँ। आपका दूसरा होगा तो आप दूसरा यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट में फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट आपका 120 KB में ही मांग रहा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दिया हूँ, इसका आई या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ देखिए एरो का निशान हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ जो ही अपलोड किया यहाँ पर एरो आ गया, देख यहाँ पर एरो नहीं है। देखिए अपलोड करूँगा, यहाँ पर अपलोड किए हैं एरो आ गया है। उच्चतम शैक्षणिक अभी नहीं है, तो यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए एरो। देखिए फाइल अपलोड हो गया, एरो आ गया, यहाँ पर एरो आएगा तो फाइल अपलोड होगा। संस्था या इकाई निजी पैन में देखिए यहाँ पर किया, जमीन का रसीद में किया, कौशल प्रशिक्षण
तो उपलब्ध होगा तो है नहीं, मैं फिलहाल इसमें नहीं देने वाला हूँ, आप नहीं दे सकते हैं। कैंसिल चेक फ्रेंड, कैंसिल चेक क्या होता है इस पर हमने वीडियो बना, कैसे भरा जाता है, एक भी गलती नहीं कीजिएगा। कैंसिल चेक के अब गलती कीजिएगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा होता है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ। मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार मैंने यहाँ पे दिया हूँ, देखिए यहाँ पर जो मेरा यहाँ जाति प्रमाण पत्र है, और यहाँ पर देखा जाए जाति प्रमाण पत्र हो गया, टेंथ का हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, आवासीय हो गया, ठीक है, ज़मीन का रसीद, कैंसिल चेक। तो कैंसिल चेक थोड़ा मैं देख रहा हूँ, देखिए कैसा है कैंसिल चेक। देखिए कैंसिल चेक में आपको नाम नहीं देना है, आपको ऐसे कर देना है बीच में दो डॉट देके कैंसिल लिख देना है, ठीक है। ये फोटो हो गया, अब देखिए सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए कैसा होना चाहिए, क्योंकि खाता खोलने की तारीख आपको शो होना चाहिए, अगर वो नहीं दीजिएगा बैंक स्टेटमेंट तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं एक भी मिस्टेक नहीं करना चाहूँगा, यहाँ देखिए ये हो गया, और यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ओके। ये और बैंक यहाँ देखिए एंड ऑफ स्टेटमेंट है, और बैंक जो मैनेजर है उनका साइन है और सिग्नेचर है, ठीक है। तो ऐसा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद मैं बता दूं, और सबमिट करने से पहले फॉर्म की डेटा को जांच लेना है, तो एक बार मैं इसको देख लूँगा और मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने से पहले एक बार फिर आप अपलोड की गई जो डाटा है उसको आपको टेस्ट करना है, जांचना है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है तो फॉर्म जमा करें पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर जो फॉर्म जमा करें उस पर मैं क्लिक करूँगा। अपलोड किए गए आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल फॉर्म जमा करें पर क्लिक करूँगा, और यहाँ जो चतुर्भुज बना हुआ है इसको टिक कर देना है, टिक बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके से पहले टू चेंज द प्लेस इनपुट अपडेट इट इन द होम सेशन, आप होम सेशन में जाकर के आप कुछ एडिट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबमिट कर दिया, इस प्रकार से ऐसा सबमिट हो गया है फ्रेंड, ये फाइनल सबमिट है। इसके बाद आप प्रिंट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट ले लिया, यहाँ बिहार का साइट ख़राब जवाब करता है, प्रिंट नहीं हो रहा है फ्रेंड। और प्रिंट मैं देखता हूँ कि होम सेशन में जाकर के, होम पर जाकर के मैं वहाँ से देखता हूँ कि होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड थोड़ा मैं करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है। जीप फाइल रीडर से आप ओपन कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक। दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझे हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं बता दूं बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है, ये हम लोग हल्का जाने हैं, अगर पूरा डिटेल्स में जानना है इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और फाइल का कैसे छोटा बड़ा करना है इसका भी आई बटन में हम दे दिए हुए हैं। कैंसिल चेक कैसे भरा जाता है इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप बाद में चेक कर सकते हैं, या कमेंट सेशन के सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ वीडियो यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको देखना ना भूलें। के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।